Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. So once again, welcome to the Saint Public Schools online classes. Today we will continue our chapter 1. आज हम last part पढ़ेंगे. Removal of weeds. Weeds means खरपतवार. आपने देखा होगा खेतों में अनाज के साथ फालतू पौधे भी उगते हैं, उन्हें weeds कहा जाता है. Removal means उन्हें हटाना. In the field, खेतों में. Often many other plants start growing along with the crops plants. आपने देखा होगा खेतों में अपने जो फसल होती है उसके साथ अलग प्रकार के plants उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? Weeds. All plants other the crop are called weeds. उन्हें क्या कहा जाता है? Weeds. Weeds are unwanted. मतलब हम इन्हें बोते नहीं हैं अपनी मर्जी से. Uncultivated, बिना खेती किए plants और pets which grow along with cultivated plants or their own. हम जिन्हें अपनी मर्जी से नहीं उगाते हैं और जिनकी कोई खेती नहीं की जाती है तब भी ये उग जाते हैं. किन के साथ? अपनी फसलों के साथ. In other words, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, plants and pets other than crops are the weeds. जो पौधे हमारे काम के नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Weeds. Why removal weeds? इन्हें रिमूव क्यों किया जाता है? दे आर ए थ्रेट. थ्रेट मीन्स खतरा. टू कमर्शियल क्रॉप्स एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. इससे क्या होगा? जो हमारे पौधों को सनलाइट मतलब प्रकाश, एयर और पोषक तत्व मिलेंगे ये भी उनसे ले लेंगे. इन कंपेरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स, और अपनी फसलों के साथ इसकी तुलना करेंगे. द सीड्स ऑफ वीड्स जो इस खरपतवार के बीज होते हैं, जर्मिनेट इजीली, जल्दी से उग जाते हैं. दिस सीडलिंग्स ग्रो फास्टर, और इनको जो पौधे होते हैं छोटे वो जल्दी से ग्रो होते हैं. दे फ्लावर अर्ली, और इसमें फूल भी जल्दी आ जाते हैं. देयर सीड प्रोडक्शन बिगिन आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. इससे क्या होता है कि इसके पौधे भी वापस से जल्दी उग जाते हैं और छोटे से ही कम पीरियड में, मतलब थोड़े समय बाद फिर से ये ग्रो होने लगते हैं और हमारी उगाई हुई फसल को नुकसान दे सकते हैं. इनफैक्ट फसल में वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन वेरियस वेज. ये हमारी फसलों से कहीं दूसरे रास्तों से, वेरियस वे मतलब अलग अलग तरीके से, हमारी क्रॉप्स से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं. दे ऑल्सो स्प्रेड डिसीज टू द कल्टिवेटेड प्लांट्स, आर दे बिकम होस्ट टू मैनी इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इससे क्या फैल सकता है? डिसीज मीन्स बीमारी. हमारी फसलों में बीमारी भी पैदा कर सकते हैं. देयर फॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स, इसीलिए इन्हें हटाया जाता है अपने खेतों से. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीडिंग. सम कॉमन वीड्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर. आपको नीचे कुछ डायग्राम्स दिए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए हैं, इसमें उन सबके नेम लिखे हैं. कॉमन वीड्स, आपने स्पेशली वील्ड ऑट एंड ग्रास तो देखा ही होगा, ये दोनों चीज़ें तो अक्सर आपने देखी होगी, बाकी ये भी देखा होगा. वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड्स, ये हाथों से हटाई जा सकती है. बाय यूजिंग ट्रोवल, ट्रोवल मीन्स खुरपा. फिगर 1.13 में आपको खुरपा दिखाई दे रहा होगा, और ए ट्रैक्टर ड्राइवर हैरो, और एक ट्रैक्टर के द्वारा, देखो हैरो यहाँ पे दिखा है. एंड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड विद, एक केमिकल आता है जिसका नाम होता है वीडिसिस, विच आर स्प्रेस इन द फील्ड. क्या किया जाता है इसको? स्प्रे किया जाता है खेतों में. वन ऑफ द कॉमन वीडिसियस 2,4-D, 2,4 डाइक्लोफ्रेक्सिक एसिटिक एसिड, जिसका नाम बताया गया है. यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा किस तरह से उसको स्प्रे किया जा रहा है, ये तो अक्सर आपने देखा है. वीडिसियस बींग हार्मफुल टू ह्यूमन बींग, ये मनुष्य के लिए खतरनाक भी है. आर बींग replaced by the herbicides which are obtained from plants. Weeds is whenever put to use, इसका use क्या रहता है? Should be used very carefully, बड़ी सावधानी के साथ. The farmers while spraying should cover their mouth and nose with a piece of cloth. इसका use करते समय उन्हें cover करना पड़ते है अपने mouth, मुँह और नाक को, जिसके द्वारा उनके ये मुंह में ना जा सके, जिससे उनको नुकसान हो. वीडिशियस का मीन्स होता है खरपतवार नाशक, एक दवाई है जिसका नाम है खरपतवार नाशक.
नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी मीन्स पकना. हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई. रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, जब पक जाती है फसल तब उसकी क्या की जाती है, कटाई. हार्वेस्टिंग इज येट अनदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर्स व्हेन दे हार्वेस्टेड द क्रॉप्स. जब किसानों ने इतनी मेहनत की, सबसे पहले बीज को बोया, फिर उससे फसल उगाई, उसकी सिंचाई वगैरह की, जब फसल आ जाती है खेतों में तो उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है. द हार्वेस्टिंग सीजन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इज डिफरेंट. अलग अलग फसलों के अलग अलग सीजन होते हैं. द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. कटिंग मीन्स काटना एंड कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करना पकी हुई फसल को. कहाँ पर, फील्ड मीन्स खेतों में, उसे क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग. आपने देखा होगा जब फसल पक जाती है तो उन्हें काट कर वहीं इकट्ठा कर लिया जाता है. इवन नाउ इन इंडिया हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सिकल इज यूज. आपने देखा होगा पुराने ज़माने में किस मेथड का यूज़ किया जाता कटाइंग करने के लिए, सिकल. सिकल मीन्स आपने देखा होगा दराती टाइप होती है, पहले के लोग इससे काटते थे. द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल एंड आर केप्ट रेडी फॉर थ्रेशिंग. और क्या करते थे, काटने के बाद वहीं पर बड़े बड़े बंडल बनाकर खेतों में ही रख देते थे. किस लिए, थ्रेशिंग करने के लिए, मतलब उसकी सफाई करने के लिए. फ्रॉम द क्रॉप्स द ग्रेन्स हैव टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. फसलों से क्या निकालना था, फसल अलग कर देते थे और कचरा, अनाज और कचरे को अलग अलग करना. हार्वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विथ सेलिब्रेशन सच एज डांस सिंगिंग. जब उनकी फसल पक जाती थी और खेतों में उसको काट कर इकट्ठा कर देते थे, उसके बाद वो सेलिब्रेट करते थे. किस तरह से, डांस करके और गाकर. हैंड सिकल वाज द फर्स्ट वन टू बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. सबसे पहले हार्वेस्टिंग का किसका, किस हार्वेस्टिंग के लिए किसका यूज हो जाता, सिकल. सिकल मीन्स दराती. फिगर 1.16 में आपको दी है. इट वॉज यूज एज फॉर बैक एज 5000 ईयर एगो. 5000 साल पहले से ही इसका यूज चला आ रहा है. द थ्रेशर, साफ करने वाला. फिगर 1.16 बी, आप बी में देखेंगे अब ये थ्रेशर आ गया. एंड द कम्बाइन फॉलोड द सेम. अब ये कम्बाइन है, इसमें थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग साथ में होती है, मीन्स कटाई और सफाई एक साथ होती है. अदर हार्वेस्ट मशीन वेयर डेवलप्ड लेटर ऑन. ए कम्बाइन इज इन फैक्ट ए कम्बाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. अभी का तो आपने देखा ही होगा जो थ्रेशर है उसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग साथ में होती है, जिसमें अनाज काटने के बाद डाल दिया जाता है, जिससे अनाज काटने के लिए मशीन को खेत में ले जाया जाता है, जिससे कटाई भी होती जाती है और सफाई भी होती जाती है. इसे कम्बाइंड हार्वेस्टिंग कहते हैं, इसका नाम है कम्बाइंड हार्वेस्टर. ए कम्बाइन हैज़ ए शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ द टॉप ऑफ ग्रेन प्लांट्स. आपने देखा होगा कम्बाइन हार्वेस्टर में क्या रहता है, तेज शार्प. शार्प मीन्स तेज, एज मीन्स धार के कटिंग टॉप पर होते हैं. सच एज द व्हीट, जिससे फसल गेहूँ कट जाते हैं. देन इट सेपरेटेड द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक. और कटाई और सफाई के बाद इसको स्टॉक करके रख लिया था, अलग अलग करके रख लिया था. मैनी ऑफ दीज फार्म मशीन आर अटैचमेंट दैट फार्मर्स कैन फिक्स टू ए ट्रैक्टर. इसको किस में लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है ट्रैक्टर में. दीज डे, इन दिनों में, दे आर अ ट्रैक्टर विच हेल्प द फार्मर्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्ट. अभी किसानों की मदद कौन करता है, ट्रैक्टर. उसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल स्पीड और प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों की स्पीड पे कंट्रोल किया जा सकता है. आपको फिगर में दिखाई दे रहे होंगे, कंबाइन भी देखा है आपने और हार्वेस्टिंग भी देखा है. हार्वेस्टिंग मशीन एंड कंबाइन दोनों देखे होंगे, जिसे हार्वेस्टर भी कहा जाता है. थ्रेशिंग मीन्स सफाई. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स एंड रिलीज्ड फ्रॉम द चाफ. चाफ मीन्स कचरा. ग्रेन्स मीन्स अनाज. अनाज में से कचरे निकालने की इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग. दिस इज डन एदर बाय हैंड और बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज ब्लूक्स और कैमल्स. आपने देखा होगा बैलों और ऊंट की सहायता से भी इसको
इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है या इनके इनका भी यूज़ किया जाता है। किस तरह से द हार्वेस्टेड क्रॉप इज सेपरेट ऑन द ग्राउंड, जो कटी हुई फसल है उसको ग्राउंड में अलग रखा जाता है। एंड द ब्लॉक्स और कैमल्स आर मेड टू वॉक अवर ओवर देम अगेन एंड अगेन विद देयर फीट टिल द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ, और उसमें जो फील्ड में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद कैमिल और बैलों के द्वारा उनके पैरों से उसे निकाला जाता है। कैसे? उसमें अगेन एंड अगेन बार बार चलाकर जो उसमें चलते हैं तो उससे क्या होता है, कचरा बाहर उड़ जाता है और ग्रेन्स अनाज वहीं रह जाता है। द ट्रैक्टर आर यूज फॉर डूइंग दिस जॉब इन मॉडर्न टाइम, और अभी जो मॉडर्न टाइम है इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स का। द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ द क्रॉप्स गेट क्रस्ड इनटू स्मॉलर पीस, अभी ट्रैक्टर के द्वारा जब हम इसकी थ्रेशिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, लीव्स एंड स्टेम्स मीन्स डंठल और लीव्स मीन्स पत्ते, डंठल और पत्ते अलग हो जाते हैं या कुचल टूट जाते हैं। गेट क्रश, क्रश्ड मतलब टूट जाना, कुचल जाना, इनटू स्मॉलर पीस छोटे छोटे पीस में वो टूट कर निकल जाते हैं। ऑल थॉट, हालांकि द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ, और क्या निकल जाता है, कचरे में से अनाज अलग आ जाता है। दे स्टिल रिमेन मिक्सड विद द चाफ एंड क्रश्ड लीव्स एज वेल एज द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, और जो बचे हुए अवशेष, रिमेन्स मीन्स अवशेष, मिक्स विद द चाफ एंड क्रस्ड लीव्स, जो टूटी हुई पत्तियां और उसमें कचरा बचा हुआ है उसे फिर से अलग कर लिया जाता है। द ग्रेन्स आर टेकन सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, और अलग करके कचरे से उसे रख लिया जाता है। ड्राइड लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप्स, ड्राइड लीव्स मतलब सूखे हुए पत्ते और स्टेम, उसमें से डंठल हटा लिए जाते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कैन बी डन, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग किसके द्वारा पूरी की जाती है, साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन, उसे क्या कहा जाता है, कंबाइन। उस क्योंकि कंबाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मशीन होता है एक साथ या साथ साथ, तो कौन कौन सी मशीन साथ में है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। साइमल्टेनियसली मीन्स होता है एक साथ या साथ साथ, क्या है उसमें कंबाइन मशीन में एक साथ, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, इसलिए उसके कौन सी मशीन कहा जाता है, कंबाइन। विनोविंग, आफ्टर थ्रेशिंग सफाई के बाद सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, बीज और अनाजों को, बीज या अनाजों को सेपरेटेड मीन्स अलग रखना, किससे, कचरे से। है मीन्स भूसा, बाय विंड, विंड मीन्स हवा। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द मेथड, आपने देखा होगा अक्सर इस मेथड को, विनोविंग वाली को, हमें अनाज में जब बहुत सारा कचरा होता है या उसमें भूसा होता है तो उसे ऊपर से छान कर गिराते हुए आपने अपने अक्सर मम्मी को भी देखा होगा कि वो थोड़े बहुत गेहूं को बाहर छत पे ले जाकर उसमें जो थोड़े बहुत कचरा रहता है तो उसे ऊपर से नीचे गिराती है, जिससे हवा के जरिए क्या होता है, वो कचरा बाहर निकल जाता है और गेहूँ सीधे अपनी जगह पर नीचे गिर जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। ये वही मेथड है। इट इज़ डन बाय पुटिंग द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन्स, जिसमें कचरा मिक्स रहता है, चाफिंग एंड हैंग मीन्स कचरा और भूसा, इन है विनोविंग स्कूप, स्कूप मीन्स सूपा या सूपड़ी जो भी बोलते हैं आपने देखा होगा यहाँ पर एक सूप रहता है जिसका हम यूज़ करते हैं, स्कूप सूपड़ा, एंड ड्रॉपिंग इट फ्रॉम ए हाई इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोविंग विंड। मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर से हाई मतलब फ्रॉम ए हाई इन द डायरेक्शन, ऊपर के एक डायरेक्शन से इसे नीचे गिराया जाता है, ब्लोविंग विंड, जब हवा चलती है तब। द ग्रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन ए वर्टिकल मैनर वेयर एज द चाफ एंड द है बीइंग लाइटर फेल लिटिल अवे एंड फ्रॉम ए सेपरेट हिप, हिप मीन्स ढेर हो जाता है, आपने देखा गेहूं का वहाँ पे ढेर लग जाएगा और चाफ क्या हो जाएगा, कचरा बाहर निकल जाएगा लाइटर, क्यों, क्योंकि वो हल्का होता है, लिटिल अवे कुछ दूरी पे जाके वो कचरा इकट्ठा हो जाता है और हमारा गेहूं या हमारा जो अनाज है वो एक ढेर के रूप में हमें मिल जाता है। स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, स्टोर करना होता है, आपको पता है जब हमें फसल बोनी होती है फिर जब उसे सिंचाई, उसको पानी वगैरह देना होता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, फिर थ्रेशिंग की जाती है, फिर विनोइंग के बाद उसका लास्ट स्टेज आती है स्टोरेज। द क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, उसे अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से प्रॉपरली उसे क्या स्टोर किया जाता है,
केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर केप्ट, उस अनाज को केयर से रखा जाता है, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से दूर, या उसमें नमी नहीं रहती उससे दूर रखा रखा जाना चाहिए, सेफ फ्रॉम रेन, बारिश से दूर रखना चाहिए, बारिश से सेफ रखना चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम पेट्स एंड बर्ड्स, चिड़िया या पशु पक्षी या पेट्स मीन्स कीड़े, उनसे उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। इन ऑल राइट गो डाउन इन प्रॉपर बैग फ्रॉम द प्रपोज ऑफ ट्रांसपोरेशन, एयर टाइट, सॉरी ऑल राइट नहीं, इन एयर टाइट गोडाउन्स, जहाँ पर कोई हवा का आना जाना नहीं हो उस गोडाउन में उनको एयर टाइट रखा जाता है, प्रॉपर बैग या बैग में रखा जाता है, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जब उनका टाइम आएगा तब उसे बेचने के लिए। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज लॉट ऑफ मॉइस्चर, अभी जो ताज़ा अनाज है आपने देखा है, ताज़े अनाज में क्या होने की संभावना होती है, नमी, मॉइस्चर होने की संभावना होती है। दिस मॉइस्चर कॉन्टेंट हैज़ टू बी रिड्यूस बाय ड्राइंग, सबसे पहले इसे क्या कहा जा क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, सुखाने के बाद बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन फ्रॉम द अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम उसे ठीक तरह से नहीं सुखाएंगे और हल्का सा भी उसको गीला रख देंगे तो उसमें नमी आ जाएगी, और नमी से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाणु उसमें पनप जाएंगे और उससे वो खराब हो सकता है। दस स्पॉइलेज ऑफ, स्पॉइलेज मीन्स होना है खराब होना, स्पॉइलेज मीन्स खराब होना ऑफ ग्रेन्स इज प्रिवेंटेड, तो उससे क्या उस क्या संभावना हो सकती है, उसके खराब होने की संभावना हो सकती है। इन एडिशन स्टोर्ड प्रोडक्ट आर टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज बाय रेट्स, उसमें ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, स्टोर्ड प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट स्टोर किया है उसमें कुछ ऐसा पदार्थ ऐड किया जाता है जिससे वो डैमेज नहीं हो या ख़राब नहीं हो, प्रोटेक्ट किया जाए किससे, डैमेज बाय रेट्स, जो उसमें नो चूहे भी लग सकते हैं, आपने देखा होगा अक्सर गोडाउन में चूहे भी आ जाते हैं, तो उससे उनको नुकसान नहीं हो इसलिए उसका प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड इंसेक्ट, कीड़ों से भी, इन अवर कंट्री डैमेज बाय सच ऑर्गेनिज्म इज एज हाई एज 25% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस, आपने देखा होगा हमारे देश में 25% जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है, सॉरी जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसमें से 25% तो डैमेज हो जाती है, किस वजह से, ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनकी वजह से, देयर फॉर, इसलिए मेक द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अवर फूड मटेरियल ए ग्रेट नेसेसिटी, इसलिए उसको हमें बहुत अच्छे से केयरफुली यानी कि सावधानी के साथ प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में फार्मर्स स्टोर द फूड ग्रेन इन जूट बैग, आपने देखा होगा कि अभी जो किसान है उसे वो उस फूड को या खाने को किस में स्टोर करते हैं, जूट के बैग में, और मेटेलिक स्टोरेज बीन्स, या जो बड़े बड़े मेटेलिक या मेटल के बने हुए स्टोरेज बीन्स डब्बे होते हैं उनमें, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन डन इज सिलोस एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मीन्स होता है जो अनाज स्टोर किया गया, इसी तरह से बड़े पैमाने पर अलग अलग ग्रेन्स का अलग अलग भंडारण किया जाता है या उसे स्टोर करके रखा जाता है। तो हमारा ये चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप कैसे प्रोडक्ट हुई और उसका मैनेजमेंट हमने उसे किस तरह से लास्ट तक संभाल के रखा, ये पूरी डिटेल आपको इसमें मैंने एक्सप्लेन की है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपके हमें इसको आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर क्लियर करूँगी जो कि आपको अपनी HW कॉपी में लिखना है, लिख कर लर्न भी करना है, सो राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर वन नेक्स्ट, या तो मैं आपको PDF भेज दूँगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। So student, good day and take care of yourself.